कैसे हो आप सब? औरों में कहा दम था के बारे में बात करते हैं। इसके ट्रेलर को लेके जो चर्चा चल रही है कि ये कल आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन पोस्टर भी देखने को मिला। अब तो इन लोगों ने एक टाइमर भी लगा के रखा है कि कितने बजे ट्रेलर आने वाला है। उसके बारे में बात करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म को लेके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जितना मैं उस पोस्टर से समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि दो अलग अलग जनरेशन्स की लव स्टोरी है इसमें। एंड स्पेशली मुझे जो लगता है, मैं वही बता रहा हूँ कि अजय देवगन तब्बू वाला एक एंगल है और वो जो शंतनु एंड सई मांजरेकर वाला एक एंगल है। मुझे लगता है कि कॉमन कड़ी इसमें जिमी शेरगिल होगा और वो आई थिंक उसका जो लुक है वो सिंपल ज़रूर दिख रहा है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो विलन है मे बी। तो ये अभी तो नहीं पता चलेगा, ये तो कल पता चलने वाला है हमें, नो डाउट एट ऑल। पर मुझे ये लगता है कि मे बी वो कुछ लोग रहते हैं ना, घर वाले, लड़कियों के घर वाले, कि कंपलसरी लड़की की शादी कर दी कहीं और टाइप का कुछ मे बी झमेला होगा उस टाइप का। लगता तो नहीं, इतना भी सिंपल होगी स्टोरी, पर एक अंदाज़ा तो वो जो दूल्हा बनाया होगा घर वालों ने कुछ चूज़ किया होगा तब्बू का, शायद वो ये हो सकता है जिमी शेर के लिए, मेरा अंदाज़ा है, पर मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ। वो नीरज पांडे का एक स्टाइल है भाई, खासियत है क्योंकि अगर उसने लव थ्रिलर मतलब थ्रिलिंग लव स्टोरी बनाई है तो कुछ अलग भी हो सकता है। अभी वो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, नो डाउट कल आने वाला है ट्रेलर। कुछ लोग बोल रहे भाई 1 बजे 1:30 बजे, ऐसा नहीं है मेरे पास जो वो उन लोगों ने जो एक ये रखा है टाइमर उसके अकॉर्डिंग तो 1:45 पे आने वाला है इसका ट्रेलर। जी हाँ, और एक्सपेक्टेशन मुझे इसीलिए ज़्यादा है इस फिल्म से क्योंकि अजय देवगन की अच्छी एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। अच्छी इन द सेंस वो अच्छी हमेशा ही करेंगे, लेकिन एक इंटेंस लव स्टोरी बोलते हैं ना हम, और वो भी तब्बू के साथ, मतलब मुझे तो भाई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और मैं होप्स रखा हूँ इस फिल्म से कि ये फिल्म अच्छा ही, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा देखने को मिलने वाला है इस फिल्म में। जो भी है पॉजिटिविटी लग रही है ओवरऑल, अगर आप देखो फिल्म को लेके एक जो बोलते हैं ना वाइब्स, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। आपने देखा होगा टीज़र जब आया था, टीज़र से पहले इसका उतना हाइप नहीं था, टीज़र आने के बाद लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगे कि भाई इस टाइप के जो डायलॉग्स है जिसमें बिछड़ने की वगैरह भी बातें हो रही है, इनफैक्ट हम ही थे हमारे दुश्मन औरों में कहा दम था इस टाइप का कुछ था, मुझे अभी याद नहीं वो डायलॉग। पर कहने का मतलब यही है कि वो दर्द है ना, वो बहुत कुछ बयां कर जाता है सिर्फ डायलॉग से, तो भाई फिल्म तो इंटरेस्टिंग होगी। एक टीज़र अगर इतना इंप्रेस कर सकता है तो कल ट्रेलर आएगा तो कितना मज़ा आएगा। 1:45, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।